विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बिहार के द्वारा बिहार शरीफ एवं बिहार के विभिन्न जिलों में दंगे के मामले में जिस तरह झूठा आरोप लगाकर बजरंग दल कार्यकर्ता को फंसाकर जेल भेजा गया है, उसके विरुद्ध विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कटिहार के द्वारा आज हरदयाल चौक पर नीतीश कुमार एवं तेजस्वी यादव का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया एवं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बिहार के द्वारा आज सभी जिलों में जिला पदाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा गया। एक निष्पक्ष जांच टीम बनाकर घटना की जांच की जाए और जो दोषी है उन पर तुरंत कार्रवाई हो। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कटिहार आह्वान करती है, अगर बिहार सरकार तुष्टिकरण की राजनीति बंद नहीं करेगी तो पूरे बिहार में बजरंग दल द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कटिहार आपकी सेवा में तत्पर है। कटिहार से राजीव झा की खास रिपोर्ट। प्रदर्शन कर रहे हैं जी, आज प्रदर्शन का मेन उद्देश्य हमारा यह है कि अभी पूरे बिहार में, उसके अलावा भी सभी जगह पर रामनवमी की शोभा यात्रा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा निकाली गई। और अभी आपने देखा होगा कि बिहार में नीतीश कुमार जी के गृह क्षेत्र में एक दंगा हुआ। यह सोचने वाली विषय है कि हिंदू कभी भी अपना रामनवमी का शोभा यात्रा खराब नहीं कर सकता है। उस समय जो है पत्थरबाजी किया गया विशेष समुदाय के द्वारा, लेकिन नीतीश कुमार की टोपीबाज सरकार ने हिंदुओं को फंसाने का प्रयास किया। हमारे जिला संयोजक के घर की कुर्सी जब्ती की और उनको गिरफ्तार किया गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आज पूरे बिहार में विरोध कर रही है, उनका पुतला जलाया जा रहा है। नीतीश कुमार से स्पष्ट कहना है कि आप सचेत हो जाइए, अन्यथा बजरंग दल आपको सचेत करने के लिए तैयार खड़ा है। हिंदू कभी अपना पर्व खराब नहीं कर सकता। अगर हिंदू अगर खराब करने पे आ जाता तो बिहार में एक भी दिन किसी मुहर्रम का जुलूस नहीं निकलता। लेकिन हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, हिंदुओं को टारगेट करके ये सरकार कार्रवाई कर रही है। हम राज्यपाल से मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच करके जो दोषी है उन पर कार्रवाई किया जाए। अनिश सिंह, बजरंग दल, जिला संयोजक, कटिया। पुतला दहन किया था। हाँ, 30 तारीख को पूरे देशभर में रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसका आयोजन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने किया था। तो बिहार के लगभग सभी जिलों में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा यह शोभा यात्रा निकाला गया। तो उसी क्रम में विशेष समुदाय के द्वारा उस शोभा यात्रा में पथराव किया गया, जिसके बाद शहर में दंगा का माहौल फैल गया। तो सरकार उन पत्थरबाजों को अरेस्ट ना करके उल्टा जो आयोजन किए थे बजरंग दल ने, उनके संयोजक कुंदन भाई को सरकार ने मतलब अरेस्ट कर लिया। तो उनके घर के कुर्की जब्ती करने का आदेश दे दिया नीतीश कुमार ने, जिसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पूरे बिहार में आज प्रदर्शन कर रही है और नीतीश कुमार एवं तेजस्वी यादव का पुतला दहन कर रही है। उसी क्रम में आज कटिहार में भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी का पुतला दहन किया गया। और यहाँ पे प्रदर्शन के माध्यम से हम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को कहना चाहते हैं कि हिंदुओं पे जो वो अत्याचार कर रहे हैं, जो वो तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, वो करना वो बंद करें। अगर बजरंग दल अपने पे आ गया तो ऐसे बड़े बड़े सरकार बजरंग दल ने पलट दिया है, और आगे भी हिंदू हित में बजरंग दल को अगर कुछ करना पड़े तो बजरंग दल करने में सक्षम है। परिचय, प्रीतम प्रताप सिंह, बजरंग दल, नगर से। जिस तरह से रामनवमी शोभा यात्रा पे एक पथराव से पत्थर मारा गया, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता को जबरन अरेस्ट भी किया गया और उसका घर का कुर्की जब्ती भी निकाला गया, उसको लेके आज हम लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे बिहार में हर जिले में पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं। पुतला नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव का फूंक रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण का राजनीति कर रहा है, जो कि अब हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर बिहार में अगर राजनीति करना है तो बहुसंख्यक समाज का भी राजनीति करना होगा, बहुसंख्यक समाज को भी देखना होगा। एक हिंदू बहुसंख्यक समाज अगर बिहार के जिलों में शोभा यात्रा नहीं निकालेगा तो कहाँ निकालेगा? अगर अभी हम लोग देश में शोभा यात्रा में हम लोग का इस तरीके से हरकत किया जा रहा है तो क्या हिंदू क्या पाकिस्तान में जाकर शोभा यात्रा निकालेगा? इसलिए आज हम लोग दिन को भी महामहिम राज्यपाल को हम लोग लेटर DM के द्वारा लेटर दे के हम लोग ज्ञापन दिए हैं कि इसका निष्पक्ष जाँच हो और जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई किया जाए। एक तरफा फैसला जो नीतीश कुमार कर रही है और इफ्तार पार्टी में टोपी लगा के घूम रही है, इससे क्या साबित करना चाह रही थी? नहीं सिर्फ हम मुस्लिम का सरकार है, क्या हिंदू बिहार में नहीं है? हिंदुओं का वोट से नीतीश कुमार नहीं चल रहा है? पर यही इसी कारण से हम लोग आज बिहार में पुतला दहन कर रहे हैं, पूरे जिले में कर रहे हैं। परिचय, राणा सोनी, जिला सह संयोजक, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल।